बताए थे यहाँ पे कि इंक्रीजिंग की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो भैया, इंक्रीजिंग की करंट बढ़ा दो, ये भी चीज हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे अब बताता है परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो परमानेंट मैग्नेट का यूज भी क्या क्या चीज में यूज होता है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। तुम लोग सब जानता है ये तीनों डिवाइस क्या काम करता है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का बिटवीन टू पॉइंट। अमीटर का काम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताने के कारण। ठीक है, अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज या पैरेलल, सीरीज। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज। बहुत बढ़िया। अगर कहीं गैल्वेनोमीटर लगा वहां मीटर लग सकता है क्या, नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर या अमीटर एक चीज लगाइए, दोनों का काम नहीं। गैल्वेनोमीटर भी करंट के लिए यूज किया जाता है, बस देखने के लिए करंट है कि नहीं। हम लोग के घर में फ्रीज समर टेबल सब बताए थे, वहां पे मोटर उटर लगा हुआ है, तो वहां पे कौन सा डिवाइस लगता है, अमीटर लगता है। क्या लगता है, वहां कांटा में देखना ए लिखा रहता है, वहां पे क्या लिखा रहता है, तो वो अमीटर है। दैट इज वहां पे करंट मेजर कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग करंट क्या चीज के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में हम बताए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिफरेंस क्या है। परमानेंट मैग्नेट का क्या पोलैरिटी बदल सकते हो, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी बदल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बदल सकते हो, हाँ, लेकिन परमानेंट मैग्नेट के स्ट्रेंथ को। तो ये दो पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे तीसरे में देखो, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का नहीं कर सकते। पांचवा में द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स, बट यहाँ पे मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में नहीं कर सकते। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग को ध्यान रखना है। तो वही बता दिया टॉपिक में, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर है परमानेंट मैग्नेट। तो दो एडवांटेज तुम लोग को बता ही रखे, पोलैरिटी बदला जा सकता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया जा सकता है एज पर योर यूज। इसके बाद आता है यूजेस। ठीक है, यहाँ पे देख सकता है बच्चा लोग यूज क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज है वो क्या है, चल देखे यहाँ पे, फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हेवी आयरन ऑब्जेक्ट। बस इतना सा, तुम लोग मेरा आवाज, ओके, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बस दो दो यूज कर लो, बहुत है, काफी है। यहाँ पे लोडिंग दी फंडेंस विद आयरन, सेपरेटिंग आयरन पीस फ्रॉम डेब्रिस, मतलब हो गया कचरा। ठीक है, फॉर रिमूविंग दी पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वुड, बहुत बार क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोहा का ऑब्जेक्ट बॉडी में घुस जाता है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ये डॉक्टर लोग क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करता है। उसी तरह साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, काफी है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये जो है तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक बेल सिलेबस में नहीं है, हम तुमको सीधा बता रहे हैं, इसको हटा सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत है इसमें। इलेक्ट्रिक बेल जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ो। लिखता है, इफ एन एसी सोर्स इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ बैटरी, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल गेट मैग्नेटाइज। कोर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, जैसे हम लोग के घर में जो, बंद करके वापस, ऑनलाइन में जितना बच्चा बैठा, मेरा आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? देख यहाँ पे, ये बार बार क्वेश्चन पे हम फोकस करा रहे हैं। इफ एन एसी सोर्स इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ द बैटरी, बैटरी जो होता है वो डीसी करंट देता है, ये बात पता है तुम लोगों को। बैटरी जो देता है वो क्या देता है, डीसी। जैसे 6 वोल्ट का बैटरी, निप्पो का बैटरी, एवरीडे वाला जो सब आता है, वो सब क्या है तुम्हारा, जल्दी बताओ, डीसी सोर्स है। लिखता है यहाँ पे, इवन एसी सोर्स इज प्लेस इन प्लेस ऑफ बैटरी, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल गेट मैग्नेटाइज। अभी हम लोग पढ़े थे कि एसी यूज करो या डीसी यूज करो, दोनों में वो क्या होता है, मैग्नेटाइज, बट द पोलैरिटी एट इट्स एंड विल चेंज। इसीलिए हम लोग एसी को यूज, सिंस अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर डज नॉट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो द बेल विल स्टिल रिंग ऑन प्लेसिंग द स्विच। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चा लोग, यहाँ पे सब बच्चा लोग दूसरा क्वेश्चन सुनो, रीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हम लोग के घर में घंटी लगता है, सब बच्चों देखा ये कि हम लोग,
अभी हम आ रहे हैं। हाँ देखो बच्चा लोग यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है लग रहा है, या वीडियो ऑफ कर लेना। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, ये वाला चीज को देखो, अगर तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे अपने से बुक में, यहाँ पे जरा सा फोकस करो, इसमें कैसा आर्मेचर यूज हो रहा है, यू शेप। ये कैसा आर्मेचर यूज हो रहा है, यू शेप। अगर पोलैरिटी बदलता भी है तो बताइए ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अगर ये साउथ, ये नॉर्थ हो सकता है, ये क्या हो सकता है, लेकिन ये यू शेप का होने से कोई अंतर आ रहा है। अगर दोनों का पोलैरिटी बदल भी जाएगा तो भी ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि उसका शेप क्या है, यू से। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, अगर बार मैग्नेट होता तो भैया अलग बात होता, इधर नॉर्थ इधर साउथ आता, इधर साउथ या इधर नॉर्थ आता, लेकिन यू शेप होने के कारण नॉर्थ साउथ तो भैया एक ही तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है तो इधर साउथ आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है तो इधर क्या आ रहा है, नॉर्थ। पोलैरिटी चेंज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज बता रहा है, बट द पोलैरिटी एट इट एंड विल चेंज। पोलैरिटी बदल रहा है, ऐसा नहीं बदल रहा है, पोलैरिटी बदल रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा आर्मेचर जो है वो किस शेप का है, since attraction of armature does not depend on polarity of the electromagnet, so the bell will start ring on pressing the switch K. तो इसका मतलब वो AC पे भी काम करेगा और क्या चीज पे काम करेगा, DC पे भी काम करेगा। हमसे शायद कोई बच्चा पूछा था ये, इसलिए हमको बार बार बताना पड़ रहा है कि घर का घंटी जो है भैया वो तो आपका क्या चीज से कनेक्टेड होता है, तार से कनेक्टेड होता है, और तार किस पे कनेक्टेड है, AC से। अगर AC होने के बाद भी भैया पोलैरिटी आप बोलते हो बदल जाएगा, पोलैरिटी बदल रहा है, लेकिन आर्मेचर तो किस शेप का है, यू शेप का, जिसके कारण से वो अभी भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा कॉइल है देख, इसको देख तुम लोग, इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं ये यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये देख सकते हो तुम लोग जो हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, आर्मेचर बुला रहे हैं। तो ये मैग्नेटाइज होगा और ये आर्मेचर को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। भैया पोलैरिटी बदलेगा क्या, हाँ एकदम बदलेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक ही तरफ आ रहा है, नॉर्थ साउथ क्या हो रहा है, एक ही तरफ आ रहा है, समझ में आ गया ये चीज। तो ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक बेल एसी पे भी काम कर सकता है और डीसी पे भी काम कर सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो तुम लोग को हम बताए, भूलना मत इसको, जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सब बच्चा एक एक बार देख लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब चीज देख के जाना। इसके बाद आ जा बच्चा लोग, आज हम तुम लोग को जो बताने वाले थे वो क्या बताने वाले, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डीसी मोटर। डीसी मोटर का सिर्फ डायग्राम करने बोल रहे एक्स्ट्रा में, डीसी मोटर नहीं है एग्जाम में, ठीक है, वर्किंग कोई करेगा ही नहीं। हम फिर भी तुमको एक चीज बोल के भेज रहे हैं कि तुम लोग प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जाओ, कि अगर आ जाए इनकेस तुम लोग के साथ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे देखो, आज हम तुमको बताएंगे लॉरेंज के बारे में, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, वो क्या फाइंड किए थे, लॉरेंज फाउंड दैट अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पक्का हो गया, क्या बोला, बस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तुम लोग सब बच्चा लोग देखा है कि तुम लोग भी जो जो ऑफलाइन बैठा है, ऑनलाइन बैठा है, सब आया है क्लास में, हम यहाँ पे दो रो बना रखे हैं, ठीक है, एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है, ये कॉलम हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, दो कॉलम। ये साइड वाला बच्चा लोग नॉर्थ है और ये साइड वाला बच्चा लोग क्या है, साउथ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, एक रो इधर हो गया, इधर नॉर्थ बोले, इधर हो गया साउथ। तो बच्चा लोग बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर हुआ, नॉर्थ और साउथ हो गया भैया। अब बच्चा लोग हम क्या बोल रहे हैं, हमको एक चार्ज को मूव कराना है, किसको मूव कराना है, नाउ आई एम अ चार्ज, ठीक है, हम क्या है चार्ज, हम कोई भी डायरेक्शन जा सकते हैं, बस किस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, नॉर्थ टू साउथ वाले में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम भैया क्या कि हम इधर से सामने ही जाने लग गए, कोई दिक्कत है, ऐसे करके हम यहाँ से सामने जाने लग गए, कोई दिक्कत है, हम क्या है जल्दी बताओ, चार्ज है, हम यहाँ पे क्या है, चार्ज लिखा यहाँ पे, लॉरेंज फाउंड दैट अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चा लोग, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
इट इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। वो फोर्स एक्सपीरियंस क्या, कौन फोर्स एक्सपीरियंस क्या, तुम लोग क्या की, हम किए, चार्ज किया मतलब हम किए, हम है चार्ज, हम एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पक्का हो गया। फोर्स क्या होता है, पुश और हम चाहे कि उसका मतलब हम कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे, हम कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो फोर्स हम एक्सपीरियंस किए, वो फोर्स कौन सा फोर्स है बता, लॉरेंट फोर्स। क्लियर हो गया सब बच्चा को, क्या हुआ बताओ, हम जो है हम चार्ज है, हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अदर डायरेक्शन में, बस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जाके हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, बस इतना सा बात है। फिर से चार्ज इन मोशन कंटिन्यू कंस्टिट्यूट, अब चार्ज क्या बनाता है, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बुलाते हैं, करेंट बुलाते हैं, तो लिखता है कंस्टिट्यूट अ करेंट, देयरफॉर अ कंडक्टर कैरिंग मूविंग चार्जेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड कैन प्रोड्यूस मोशन इन द कंडक्टर, और उस कंडक्टर में क्या हो जाएगा। अब एक बात समझ, ठीक है, अब एक बात समझ, यहाँ पे क्या बात बोल रहे कि मेरे बॉडी के अंदर 10 चार्ज है, बॉडी के अंदर क्या है, वो 10 चार्ज क्या होने लग गया, मूव करने लग गया, इसका मतलब कौन मूव करेगा, हम ही ना मूव करने लग गए, मतलब वो 10 चार्ज मूव किया, इस कारण से वो मेरे पूरे बॉडी को क्या करा दिया, तो वो 10 चार्ज कितने फ्लो कर रहा था, कंडक्टर में, तो कंडक्टर क्या चीज में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया सब बच्चा को, तो एकदम सिंपल सा बात बताया आपका, क्या कि एक कंडक्टर है, उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा चार्ज फ्लो कर रहा है, बट वो चार्ज का डायरेक्शन अदर देन किसके डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चार्ज जिसमें फ्लो कर रहा है वो किसमें फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या बनाता है, करेंट बनाता है, तो भैया वो कंडक्टर भी क्या करेगा, मूव करेगा, कंडक्टर भी क्या करेगा, मूव करेगा, तो कोई दिक्कत है, अभी तक कंडक्टर को मूव करा दिए। नाउ माय क्वेश्चन अराइजेस कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वहां पे कौन मदद करेगा, अभी तुरंत आ जाएगा, तो चलो देखो यहाँ पे, तो पहला लॉरेंट फोर्स समझ गया, ये जो फोर्स लगा वो चार्ज के लगा, और इसी चार्ज को इसी फोर्स को हम लोग क्या बुला दिए, लॉरेंट फोर्स बुला दिए। क्लियर है सब बच्चा लोग को, ओके। अब इसके बाद देखो क्या बताता है, इसको समझना बच्चा लोग, ये डायग्राम को, ये सब कुछ बहुत भारी चीज नहीं है, बस समझने जितने का अंतर है, समझेगा तुम भी बता देगा सब बच्चा। पहले तो यहाँ पे देखो, ये एसी जो है ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, क्या है सत्यम वर्मा, ये एक कंडक्टर है, दिख गया होगा तुम लोगों को सबको, यहाँ पे और इसको जूम आउट कर देते, ये देख यहाँ पे ये एक कंडक्टर है। अब मेरे को बच्चा लोग तुम लोग बता, कंडक्टर तो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ ले, नॉर्थ टू साउथ, किधर से इधर ले ले क्या बच्चा लोग, हाँ ले लीजिए भैया। तो एक बात बता, अब हमको कौन बच्चा बताएगा करंट का डायरेक्शन किधर होगा, भैया बैटरी देखेंगे ना हम लोग, इसके लिए करंट का डायरेक्शन ए टू बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ए टू सी जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या करें, चार्ज जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा यहाँ लॉरेंट फोर्स लग सकता है, हाँ लग सकता है भैया। भैया मैग्नेटिक फील्ड देखिए वो नॉर्थ से साउथ उधर जा रहा है, और करंट ए टू किधर जा रहा है, सी जा रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, चलो सुनो एक एक करके। पहला पॉइंट यहाँ पे बताता है, व्हेन नो करंट फ्लोस इन द वायर, नो फोर्स एक्ट ऑन द वायर एंड द वायर डज नॉट मूव, वायर मूव ही नहीं किया, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था वायर, तो पहला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो भैया कहाँ से वायर मूव करेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। When current I pass in the wire in direction from A to C, हम भी तुम लोग को यहाँ पे यही बताए, करंट इधर से किधर जा रहा बच्चा लोग, A to C, करंट को I मान लिया, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, A to C की तरफ जा रहा है, ठीक है मान लिया, इन X डायरेक्शन। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे तुम लोग को ये चीज का भी मदद लेना पड़ेगा, जैसे कार्डिनल के लिए होता था, यहाँ पे तुमको ये एक्सिस दिखाया है, क्या दिखाया है, एक्सिस, तुम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर में एक्सिस पढ़े थे, बस यहाँ पे तीन प्लेन ले रहा है, x एक्सिस y एक्सिस के साथ z एक्सिस, मतलब ये फिगर जो है ये क्या समझो तुम लोग, थ्री डायमेंशनल, ये क्या है, फिगर, करंट किधर से किधर जा रहा है जल्दी बताओ, a टू c इधर जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस में जा रहा है, पक्का हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, सबको क्लियर है ये चीज, केशव पक्का। अब हमको एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, ये y एक्सिस है, ये b क्यों लिखा बताओ जल्दी से, b के ऊपर एरो पढ़ाए थे तुम लोगों को, कि मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, बी, और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये देख ले बच्चा लोग, ये बी से दिखाए,
तो देख यहाँ पे इनके साथ एक और चीज आया, वो है कोण। और इसका जो डायरेक्शन इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया तुम लोग को? तो यहाँ पे यही चीज हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये जो तुमको हम दो चीज देंगे, क्या दो चीज दे रहे, करंट का डायरेक्शन, और तुम तीसरा चीज क्या निकाल के दे देगा, फोर्स ऑफ द कंडक्टर। क्या निकाल दे देगा, बहुत बढ़िया, लॉरेंट फोर्स। क्या उससे क्या निकल जाएगा, ठीक है, एक्चुअली में वो जो फोर्स है उसको कंडक्टर से लग रहा है, इसलिए हम फोर्स ऑफ कंडक्टर बुला रहे हैं। कोई दिक्कत है? मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उनके परपेंडिकुलर, उनके क्या हो जाएगा, यही चीज समझाना था मेरे को। कोई दिक्कत है? अभी भी एक और बात आता है, भैया राइट हैंड यूज करे या लेफ्ट हैंड यूज करे, ठीक है, राइट हैंड यूज करे या लेफ्ट हैंड, ये बात भी है। तो अब तुम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही चीज बताए, देखो बच्चा लोग क्या बताया, यहाँ पे सुनो, अ फोर्स एफ एक्ट ऑन द वायर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स जो लगा है वो दोनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर। ड्यू टू द फोर्स एफ द कंडक्टर बिगिंस टू मूव नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे किस तरफ जा रहा है बच्चा लोग, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, जेड एक्सिस जो बनाए हैं यहाँ पे देख बच्चा लोग, ये जो जेड एक्सिस जो बना है ये बाहर की तरफ है, ठीक है, मतलब हम इधर बैठे, इधर से ईसा की तरफ हो गया, समझ में आ गया। इनवर्ड होता तो वो किधर हो जाता, पीछे की तरफ हो जाता, वो पीछे स्क्रीन की तरफ हो जाता। तो ये है आउटवर्ड और इनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे आउटवर्ड और इनवर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आएगा ही, वही चीज हम बताएंगे। इफ द डायरेक्ट, अब भैया सुनिए, अब हम करंट को पहले ए टू सी फ्लो करवाए थे, करंट को किधर फ्लो कराए थे, अब हम चाहते करंट का पोलैरिटी बदल सकते हो, अब करंट सी टू ए जाना चाहता है। तो करंट अगर सी टू ए जाएगा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा लोग, परपेंडिकुलर है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब फोर्स बदल जाएगा, ठीक है, अभी तुम लोग देखो, अभी तुम लोग यहाँ पे देखो, इस तरफ मान लीजिए प्लस जेड है, तो पीछे की तरफ जो ग्रीन बना के दिखा रहे वो क्या है बच्चा लोग, माइनस जेड, वो क्या है। तो इस बार आउटवर्ड आ रहा था फोर्स, इस बार इधर फोर्स किधर लग जाएगा, इनवर्ड लग जाएगा, फोर्स किधर लग जाएगा, तो यही चीज बताना चाहिए। तो पहले भैया करेंट आपका ए टू सी से जा रहा था, अब करेंट किधर से किधर जा रहा है, सी टू ए जा रहा है, करेंट किधर से किधर जा रहा है, सी टू ए। कोई दिक्कत है इसलिए यही चीज यहाँ पे बताएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द वायर इज रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, the direction of force is also reversed. Direction of force की क्या हो जाएगा बच्चों लोग, reverse हो जाएगा। तो आप यही बात उनको सिखाएं। On reversing the direction of magnetic field, अब हम ये एक और चीज़ आप reverse कर सकते थे, तो क्या है बताओ तुम लोग, भैया हम लोग ये भी तो कर सकते थे, आप बात करें इसको क्यों नहीं करा रहे, ये और क्यों नहीं, हम इधर नॉर्थ ला देते और इधर क्या ला देते, हम मैग्नेट को लिफ्ट करा दिए, क्या किसी ने करा दिए, मतलब बहुत बार लड़की लोग को इधर बैठा देते, लड़का लोग इधर बैठा देते, तो वो भी तो कर सकते हो, तो वो भी करने से फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। तो अभी तक जितना बात बताया यहाँ पे ये बता रहे हैं कि करेंट के डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन बदला, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन बदला, लेकिन भैया डायरेक्शन किस तरफ होगा उसके लिए हम क्या करें, ये बात भी हम बोल दिए कि डायरेक्शन इन दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन भैया पंगा ये हो रहा है कि परपेंडिकुलर जो है दो तरफ हो सकता है, एक आपकी तरफ हो सकता है, एक मेरी तरफ हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना है, जल्दी से बताओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना, क्या लगाना है चलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सब बच्चा अपना हाथ ऐसे कर लो जो, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा लोग, अब मेरे को देखो, ये देखो जरूरी है, गलती हो सकता है, इसलिए समझ, हम भी एक बार रिविजन करवाए थे तुम लोग को, तो तुम लोग को बोले थे हाथ नहीं लिख लो, यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये जो है, ठीक है, दिस इज मिडिल फिंगर, ठीक है, आई ये क्या है, फोर फिंगर, ठीक है, ये कौन सा फिंगर है, फोर, ये क्या है बी, और ये थंब क्या बताएगा, एफ फोर, ये क्या बताएगा, फोर। राइट हैंड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना, पहली बात है। यहाँ पे ऐसे करके हम अपना हाथ रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देख यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़े वाले फिंगर से वो क्या चीज बता रहा है, आई, वो क्या चीज बता रहा है, चलो आई बता रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखी है अपने आप से, तुम मेरा हाथ को देख ही सकते हो, आई, देख यहाँ पे
आई बी एफ, इसे यहाँ पर लिखे। तो देख यहाँ पे तुमको दो चीज देते हैं, क्या क्या देते हैं बार बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और करेंट देते हैं। तो दो चीज तुमको क्या निकालना है। चलो बच्चा अब तुम लोग मेरे को एकदम क्लियरली बता दे, यहाँ पे तुम लोग देखना हम एक वाइट बोर्ड यूज करते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे तुम लोग बताओ, ए है इधर और इधर क्या है सी, करेंट किधर से किधर जा रहा है ये तुम देखते जाना। हम यहाँ ए टू सी को क्या मान लिए एक्स एक्सिस, भैया इधर आप क्या रखे थे, इधर हम मान लेते नॉर्थ और इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है नॉर्थ। भैया इसका मतलब यहाँ पे देखिए इस बार वाई एक्सिस ऊपर की तरफ नहीं होगी, किधर होगी आप देखिए। चलो अब इन दोनों का यूज करो, आई किधर है एक्स एक्सिस, वाई किधर है वाई एक्सिस, इसका मतलब मेरा एक्स किधर आ रहा है नीचे की तरफ, एक्स किधर आ रहा है आउटवर्ड की इनवर्ड इनवर्ड आ रहा है। इसका भैया जेड जो बंदा इन दोनों के बीच में बंदा, जेड जो बंदा इन दोनों के क्या है बीच में, और ये क्या है बता जल्दी से इनवर्ड है, ये क्या है जल्दी बता इनवर्ड। ये तीनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है, नब्बे डिग्री का, कितने डिग्री का डिफरेंस है सबको समझ में आ रहा, सुनना समझ में आया तुमको, फिर से सुनो बस चलो नहीं आया। यहाँ पे देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज था, क्या नहीं समझना डिग्री ऐसे ऐसे भाई तीन हाथ तीन अंगुली से कंट्रोल नहीं है तुम्हें का, हम बार बार बता रहे हैं दो फिंगर क्या है करें ऐसे वैसे करना ही नहीं है, जिसे फिजिकली हैंडिकैप में बन जाना। यहाँ पे देखो सीधा सा बात है तुम लोग को, यहाँ पे देखो आपको बताया जा रहा है फोर फिंगर क्या क्या चीज है आई, ये हाँ मिडिल फिंगर क्या है करें, फोर फिंगर ये फोर फिंगर ठीक है ये सब नहीं पता। यहाँ पे देखो ये फोर फिंगर है, ये क्या है फोर फिंगर, फोर फिंगर क्या चीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे पहला बात बहुत बच्चों को देखे ऐसे 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 कर देना है, करना ही नहीं होता ठीक है, तुमको एक चीज करके चलना, करेंट का डायरेक्शन दिया कौन बता रहा है करेंट का डायरेक्शन, इसलिए बोले किधर का एक्स पक्का होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप इसके और रीजन देखिए करेंट का डायरेक्शन इधर से इधर जा रहा है, मेरा तुम्हारा उल्टा है हम लोग ठीक तरह अगर ऐसे करके आ गए करेंट इधर जा रहा है। हम तुमको बोले चलो हम बुक के अकॉर्डिंग पहले बात करते करेंट इधर देखो इधर बनाए थे सब देखे बच्चा लोग, यहाँ पे हम कर देते क्या इस तरफ नॉर्थ कर देते इस तरफ साउथ कर देते, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, बोलो कोई दिक्कत है मतलब बताओ ये किस एक्सिस पे चला दिया वाई एक्सिस पे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, तो लिखा हुआ होती साथ ही बता दो। चलो अब बताओ मेरे को एक्स क्या बता रहा है तुम्हारा, एक्स क्या है किसका डायरेक्शन है आई लिख दे एक्स तुम्हारा आई हो गया, वाई क्या बता रहा है। अब भैया यहाँ पे बात है कि ये जो एंटी करेंट मूव कर रहा है कंडक्टर से मूव कर रहा है, क्या चीज से मूव कर रहा है यही मूव करेगा, यही क्या करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा भैया ठीक है। अब भैया डायरेक्शन जो है वो हो सकता है चाचा पहला वो बात है, भैया वो जो डायरेक्शन है इन दोनों से क्या है परपेंडिकुलर, इन दोनों से क्या है परपेंडिकुलर, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर एक ही होता है ठीक है। जैसे तुम मानो जमीन नहीं है ठीक है, ये एक्स और वाई तुम लोग जहाँ पे बैठे हो चाहे तुम घर पे बैठे या बाहर कहीं भी बैठे हो, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये कौन सा एक्सिस हुआ इसका जेड कौन सा आएगा ऊपर आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगा इसका जेड क्या आ जाएगा ये हाइट आ जाएगा पक्का। मतलब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बना रहे हैं 90 डिग्री, अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है 90, तो एक्स वाई जेड का यही मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों आपस में क्या रहता है परपेंडिकुलर, मतलब इसका ये जो मूव करेगा उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का करेंट क्या होगा परपेंडिकुलर। अब भैया यहाँ पे वही डायरेक्शन है परपेंडिकुलर होगा, अब परपेंडिकुलर दो हो सकता था, यहाँ पे देखो अभी अगर हम बात करें कि स्क्रीन का बात करते परपेंडिकुलर दो हो सकता था, चाहे ये ऊपर की तरफ हो सकता था या कहाँ हो सकता था बच्चा लोग नीचे की तरफ भी हो सकता था, यही बात है चाहे ये ऊपर भी हो सकता था या इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है अगर ये एक्स से ये वाई है तो यहाँ पे जेड ही होगा, चाहे भैया इस तरफ होगा या
उस तरह इधर वाला प्लस जाए और इधर वाला क्या है बच्चों क्लियर हो गया। तो यही चीज हम तुमको बताना चाहते प्लस जाए की माइनस जाए के अलावा आपके लिए यहाँ पे करंट ये है ठीक है एक्स की तरफ जा रहा है ठीक है ये फोर्थ फिंगर किधर जाएगा ऊपर की तरफ पहले ये एल बन जाए मेरा थंब देखो मेरे तरफ फेस कर रहा है और तुम्हारा थंब भी किस तरफ फेस कर रहा है तुम्हारे तरफ यही चीज बता रहे तुम कहीं भी बैठे फेस तो तुम्हारी तरफ कर भैया अब देखो सबका सीम आ रहा है हम इस तरफ से बैठे तो मेरे तरफ भी मेरे तरफ थंब हो रहा है तुम अपनी तरफ से देखो तो तुम्हारी तरफ तो सभी डिफरेंस नहीं आए ये चीज तो भैया यही चीज आप लोग को बता रहे कि आप इन दोनों का डायरेक्शन पहले निकालो आई का और टी का आई का और किसका निकालो ना भी देखा पूरे हम निकालती ये है कि आई ये हो गया करेंट का डायरेक्शन जो है ऊपर है नेगेटिव टी का डायरेक्शन इधर है और सिग्नल लग रहा है मेरे तरफ लग रहा है और सिग्नल लग रहा है मेरे तरफ लग रहा है अगर हम मेरे तरफ से मान लेते हैं इनवर्ड बता दे क्या बता दे तो आप जानी जो तो
यहाँ पे डीसी मोटर जो है वो क्या करता है, पहला काम वो भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी। ये डीसी मोटर है जो लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भैया पहले करंट इसको मिल रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। पहला बात तो यहाँ से यही हो गया। भैया ये किससे काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे कंडक्टर मूव कर रहा है, यहाँ पे भी अभी जो तुमको बताए लिखता है डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर प्लेस नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर एज अ रिजल्ट इज द कंडक्टर बिगिंस टू मूव। मतलब यहाँ पे यही फोर्स जो है कौन सा फोर्स है बच्चा लोग, लॉरेंट फोर्स है। कौन सा फोर्स है जो अभी हम तुम लोग को बताए, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट घूमा तो उससे क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, तो दिक्कत। फिर भैया यहाँ पे देखिए इसने कौन सा रूल लगा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लास्ट इसमें एक चीज देखना है, वो है डायग्राम। ये डायग्राम हम तुमको बताते कैसे तुमको बनाना है, अभी कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बच्चा लेके भेज देना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऐसे करके दिखाए। ये क्या करता है, हॉर्स की मैग्नेट। ये मैग्नेट ऐसे सोचो ऐसे उठ के ऐसे गया है, 3D में ये उठ के ऐसे गया है, एक तरफ नॉर्थ दिखा है एक तरफ साउथ। फिर यहाँ पे देखो ये कॉइल दिखा रहे, क्या दिखा रहे, कॉइल। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे देखो ऐसे करके ये सी शेप का ये बना है और यहाँ पे ऐसे करके ये सी शेप का बना। यहाँ पे देखो ये कार्बन का ब्रशेस है, ये कार्बन का क्या है बच्चा लोग, ब्रशेस। अब तुमको एक चीज बताते, ये जो तुम रिंग देख रहे हो, ठीक है, इसको S1 और S2 नाम देना है, इसको स्प्लिट रिंग बुलाते हैं, या एक और नाम से जाना जाता है कम्यूटेटर। क्या जाता है, कम्यूटेटर। ये भी इम्पोर्टेंट है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये एक रिंग का ही हिस्सा था, समझ ले ये टूट गया, ये क्या हो गया, टूट गया है नहीं, मतलब ये एक ही रिंग का है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, स्प्लिट रिंग बोल दिया गया। भैया यहाँ पे जो काला कलर का दिखा रहे, ये कार्बन का ब्रशेस है जो यहाँ पे इससे सटता है, जुड़ा हुआ नहीं है, क्या होता है, ये B1 और B2 है कार्बन का ब्रशेस। भैया ये सटा हुआ है सिर्फ, क्या है बच्चा लोग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये ज्वाइन नहीं होता है, मतलब S1 जो है B2 से भी जुड़ता है, S2 जो है वो B1। ये स्प्लिट रिंग घूम सकता है, ये स्प्लिट रिंग घूम सकता है। इसके बाद भैया ये जो तार आपका यहाँ से निकला है, ये किससे जुड़ जाता है बच्चा लोग, बैटरी से। किससे जुड़ जाता है, बैटरी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं पे है, तुमको बनाना है बनाओ, रिवर सेट की लगाना लगाओ, लेकिन हम ये चीज कहना चाहते हैं डीसी और एसी मोटर में यही खास बात है। डीसी मोटर में क्या रहता है, बैटरी। एसी मोटर में जाके देखो वहां बैटरी नहीं रहता है, डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग रहता है और एसी मोटर में पूरा रिंग रहता है, उसको स्लिप रिंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, स्लिप रिंग बुलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चा लोग सबको, ठीक सही है ये चीज। यहाँ पे ये देखो कि ये डायग्राम बनाना है, लिखना है, लिख दो ABCD, ये कॉइल है भैया। यहाँ पे ये सब चीज जो है मेन है, अगर ये नहीं दिखाओगे तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर बोल रहे ये स्लिपिंग रूम के B2 पे चला जाता है, ठीक है, और यहाँ भी रहता है, S1 B1 से भी जुड़ा हुआ है और S1 B2 ये घूमता है, ये क्या होता है, इसीलिए इसको स्प्लिट रिंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, अगर आ सकता है क्वेश्चन की कम्यूटेटर का क्या फंक्शन है, तुम लोग अपना बुक खोलो और वहां पे एक्सरसाइज में जाओ और यहाँ पे देख सकता है स्टेट दी फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी मोटर। यही स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर, वो क्या चीज की तरह काम करता है,
इन ए डीसी मोटर विच इज स्प्लिट रिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज रिवर्स। क्या चीज का डायरेक्शन बदल जाता है? करंट का। क्या चीज का डायरेक्शन बदल जाता है? ठीक है, आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, मतलब हाफ रोटेशन के बाद हमेशा इसका डायरेक्शन जो मदद करता है बदलने में वो कौन करता है? तुम्हारा स्प्लिट रिंग करता है। कौन बदलता है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस यहाँ, यही और कुछ भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन है जो तुम लोग देख सकते हो।